वो कसमें खा रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, मैं कैसे उसकी बात को नजरअंदाज कर दूं? बख्तियार, हो सकता है वो सच बोल रही हो। किरण ने कोई ऐसी वैसी चाल चल के उसे वहां अकेले मिलने के लिए राजी किया? क्यों करेगी किरण ऐसा? क्या दुश्मनी है उसकी उजाला और जोहेब से? वो तो पहले ही मसलों में घिरी हुई है। जरबाब उसे घर ले जाने को तैयार नहीं है, इन हालात में वो ये सब क्यों करेगी? तुम अपनी बहन को समझा लो, गलत काम की सजा के लिए तैयार हो जाए। कैसी सजा? उसकी शादी रिजवान से ही होगी, मैंने कह दिया है। रिजवान कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, थोड़ा सा नशा करता है लेकिन वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। अपना मकान है, दुकान है, हर महीने का किराया आता है, ऐश करेगी तुम्हारी बहन। लेकिन बख्तियार, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने फैसला कर लिया, शादी वहीं होगी। बताऊं रिशिता, किस अजाब में दिन रात गुजर रहे हैं मेरे। मैं तो बेटी का ऊंचे खानदान में रिश्ता करके ना पछता रही हूं। जितने बड़े लोग उतने बड़े उनके नखरे। जाला के लिए तो मैं किसी मामूली खानदान का रिश्ता तलाश कर रही हूँ। तुम्हारी नजर में कोई है लड़का तो बताओ। हाँ ठीक सुना तुमने, किरण के देवर से चक्कर तो चला लिया था इसने, लेकिन वो कहाँ रिश्ता करते हैं गरीब यतीम बच्ची के साथ। हाँ अफेयर चलाया, चंद मुलाकातें की, फिर एक दिन मुलाकात करते हुए पकड़े गए, बात पुलिस तक जा पहुंची। अल्लाह क्या बताऊं, हमारी कितनी बदनामी हुई है पूरे मोहल्ले में, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और सुनो, ये बात किसी से मत करना, मैंने बहन समझ के तुम्हें बता दी है, पता चला तुम फैलाती फिरो। अरे कैसे नहीं मिलेगा रिश्ता, भले उसके करतूत अच्छे नहीं है लेकिन शक्ल सूरत की तो अच्छी है ना। अच्छा ठीक है, फिर मैं बाद में बात करती हूँ, खुदा हाफिज़। ये क्या किया है, पूरे खानदान में बात आग की तरह फैल गई, थोड़ा सा तो सब्र कर लेती। अरे नहीं होता सब्र मुझसे, ऐसी बातें पूरे खानदान में फैला देनी चाहिए, दबाव बढ़ता है, दोनों बहनों पे दबाव पड़ेगा, देखूंगी कैसे नहीं मानेंगी शादी के लिए पागल कहीं की। बी जान को पता लग गया के बाद पूरे मोहल्ले में पूरे खानदान में फैल गई है, नाराज हो रही थी वो, गुस्सा कर रही थी, भक्तियार भाई से पूछ रही थी कि ये बात फैली कैसे, कैसे पता लगी सबको, और तो और उनकी तबीयत खराब हो गई है टेंशन लेकर, रो रही थी इतना। अरे दादी की फिक्र छोड़, तो फिक्र कर अपनी, जरबाब को मना और अपने घर जाने की तैयारी कर। हाँ जैसे इन हालात में मैं घर चली जाऊंगी, पता नहीं इस वक्त वहाँ पे क्या टेंशन होगी, क्या माहौल चल रहा होगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने मैंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। देख अम्मा, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन जितना जल्दी हो सके इस उजाला को रुखसत कर, इसकी शादी करवा दे। मैं क्यों फिक्र कर रही है, मुझ पे छोड़ देना, रिजवान और उजाला की शादी मेरे लिए जिंदगी मौत का सवाल बन गया। एक हफ्ते के अंदर अंदर इन दोनों की शादी ना करवाई ना तो मेरा नाम भी नुसरत आरा बेगम नहीं है। अच्छा वो कैसे? अरे देखती जा ना, अपनी माँ पर भरोसा नहीं है तुझे, देखती जा मैं सब कैसे करती हूँ।